तो आज हम लोग भाभी को ले जा रहे हैं रेलवे स्टेशन तक, उनका कोई परीक्षा का है, कौन सी का एग्जाम है, सहायक आचार्य। और आप दोनों कब आए बैकुट से? अभी आए हम लोग तुरंत। अच्छा, बहुत बढ़िया। तब वो भैया नहीं चढ़ रहे क्या? जाएंगे। ए, तुम दोनों नहीं आ रही है? नहीं जाएंगे दोनों। तो घर में ये ललिता और महसे दनी रहेगी, हम लोग इनको पहुंचा कर आते हैं रेलवे स्टेशन तक। भैया आप पीछे बैठिएगा। यहाँ पे कैसे क्रैक कर गया, बहुत भयानक दिख रहा है। अपने आप हो गया है। चलो चलो चलो, धक्का मार दिए थे क्या धूप से? हमको लगा पैर विकेट चलाने वाला किस जैसा दिख रहा है। धूप में खड़ा था इसीलिए पड़ गया। बहुत बड़ा क्रैक कर गया लेकिन ये मतलब टूट गया है, लेकिन ये मजबूत होता है ना, इसलिए जल्दी कुछ नहीं होता इसमें। यहाँ पे किसी का शादी चल रहा है गांव का लोग। शुरू में हम सोचेगा कोई फुटबॉल मैच वगैरह तो नहीं ना है, लेकिन देख रहे हैं दूसरा आदमी लोग जमा है और बजा रहा है, नाच रहा है। संताली शादी है ना, जनरली इस सीजन में शादी नहीं होता संतालों का, ज्यादातर शादी जून तक के अंदर में होता है, मार्च से जून के भी, मतलब गर्मी के दिन ही ज्यादा लोग शादी करते हैं। मेरा दोस्त इस बार शादी करेगा दिसंबर के आसपास। सर दिसंबर के आसपास शादी होता है, ज्यादा क्रिश्चियन मैरिज होता है, तो बाराती लोग को रखने के लिए ठंडा के दिन में आप कहाँ से लाएंगे, सब आदमी को कंबल नहीं दे सकते। गर्मी का दिन में आप कहीं मैदान तरफ में टेंट बना दिए और जनरेटर से फैन लगवा दिए तो आप आराम से सो सकते हैं। बहुत लोग मैदान में भी सो जाता है जमीन में, हालांकि वो सेफ नहीं होता है, गर्मी के दिन में सांप बिच्छू निकलते रहते हैं ना। तो बारात वालों को मैदान में ऐसे नहीं सोना चाहिए। हम कई बार सोए हैं ऐसा एक दो बार। तो क्या हुआ, सोए तो सुबह हो गया पता नहीं चला। मुझे आदमी लोग बुरा, तुम लोग क्यों सोए जमीन में? सेफ्टी का ख्याल होना चाहिए। कुछ कुछ दोस्त लोग पिंडा में सोया था तो बैलगाड़ी के ऊपर सोया था, जमीन का सरफेस में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि सांप बिच्छू लोग रात में घूमता रहता है गर्मी के। देख रहे हैं अभी ट्रेन रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं, अभी 15-20 मिनट में ट्रेन चलेगी सीधा रांची के लिए, तो भाभी उसी से ट्रेन से जाएगी रांची तक। आपका टिकट क्या हुआ है? ऑनलाइन टिकट है, एसी फर्स्ट क्लास की सेकंड क्लास, सेकंड क्लास में। तो हमेशा एसी से ही सफर करते हैं? नहीं, टिकट नहीं था। बाप रे, इतना भीड़ है आजकल यहाँ का रेलवे स्टेशन, कितना भीड़ है। बाप रे, ऐसा लग रहा है कि यार कुछ दिन हावड़ा जैसा भीड़ हो जाएगा। पहले दिन में इतनी भीड़ नहीं रहती है, ये रात वाले ट्रेन में बहुत भीड़। बाप रे, भीड़ से पुलिस वाला लोग भी है, तेसरा और पीएफ का अफसर लोग में बैठा। ये वाली जाएगी ना रांची के लिए, उस साइड में जनरली खड़ी रहती है। इस ट्रेन का डब्बा बहुत गंदा है, एकदम नया वाला ट्रेन, लोग को दुमका से रांची जाने के लिए जो आता है। कितने बजे खुलेगी? और 15 मिनट में ना, 15 मिनट। कौन सा वॉच में आपका पड़ा है? बोल रहे कि रांची जाने के लिए आप ज्यादातर ट्रेन से जाते हैं, बस से नहीं जाते हैं? नहीं। बहुत बहुत कोई यहाँ मतलब जो है दुमका से रांची आते हैं ना, तो लोग ज्यादा बस से सफर करते हैं। वो लोग को लगता है कि ट्रेन में ज्यादा सेफ्टी नहीं रहती, सुनसान इलाके से होकर जाते हैं ना तो चोरी डकैती भी रहता है,
चैन खींच के आदमी चोरी करते रे, हम सुने बहुत तरह, हालांकि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनको डर नहीं होगा तो समझ। अबे ट्रेन खुलने ही वाली है और भैया गायब हो गए, हम कह रहे थे कि नहीं, अब बिस्कुट खरीद रहे हैं तो वहाँ आपका, वहाँ पे आपका रिलेटिव लोग रहता होगा, सुनील है सुनील, ये होते होते सुनील है सुनील, ये वाले एसी 3 टीयर, आपका एसी 2 टीयर है ना, इसमें ज्यादा एसी कोच तो नहीं रहता है। ये वाले पड़ जाएगी आप, ये भी एसी 3 टीयर है, ज्यादातर एसी 3 टीयर है, एसी फर्स्ट एसी 2 टीयर। कौन वाला आपका नंबर वगैरह दिखे तो ये वाला कोच में शायद इनका पड़ सकता है, देखना पड़ेगा नंबर, एसी में सेफ रहती है। चलिए कौन वाली पड़ेगी आपका, आइए मैम प्लीज, एक मिनट जाने दीजिए हमको, उज्जवल चला था मैं, अरे कौन मकान था ना, एकदम दूर थे, हम जा रहे थे थोड़ा मोबाइल चार्ज, थोड़ा हटिए ना साइड, हम नहीं बैठेंगे, आप ही का जगह है तो आप कहीं नहीं बैठिए। कैसे हैं? ठीक है, कहाँ है, रांची जाने वाले हैं एग्जाम देने के लिए, किस जगह? ये वाला आपका ऊपर के नीचे सीट पड़ेगी, मैंने कौन वाला सीट पड़ेगी, ये वाला नीचे, ठीक है नीचे भी सोने के लिए ऊपर बैठी, 2 टीयर में शानदार है, स्पेस रहता है इधर ऊपर तरफ। देखिएगा इंडिया का दिन ट्रेन में अन रिजर्व टिकट वाला लोग बैठा होता है एसी कोच में, तो इससे हरासमेंट का घटना हो, आए ठंडा पानी बिस्किट, आए ठंडा, मुझे क्या जब टिकट कीजिएगा ना तो पहले मैप देख लीजिए किस साइड इंजन की साइड या किधर एसी कोच पड़ता है, नहीं तो अब बहुत लंबा ट्रेन रहता है ना, आप इस कोना से उस कोना जाइए, तो हम जब भी हम हैप्पी जर्नी, बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम अच्छे से दीजिएगा। हम बाबू से मिलने आए हैं बहुत दिन बाद, और बाबू कहीं गया हुआ था, काफी मोटा हो गया, हमेशा केक खाता रहता है, गाल देखो कितना फुला हुआ, बाप रे बाप, तुमको मालूम है तुम्हारी माँ रांची चली गई, तुम अकेले रह पाएगा कहाँ, सोएगा हम सोचे कि तुम अभी आजकल भी मम्मी के गोदी में रहता है। और देखिए आज भी ज्यादातर ये बाबू जो है अपनी मम्मी के साथ ही रहता है, अकेले नहीं रह सकता, और लड़का लोग के साथ तो नहीं दोस्ती करते है, हर लड़की लोग के साथ खेलता रहता है बाबू, लड़की वैसे तुम क्या लाए, वो अपने बाबू बहुत मीठा चॉकलेट खाता है, इतना मीठा मत खाओ तो मोटू हो जाएगा, दिन आप फुटबॉल खेलना क्यों छोड़ दिया, बाबू बहुत अच्छा, बाबू जब छोटा था 5 साल का था तो बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता था, रोनाल्डो और मेसी का फैन था, लेकिन अब देख रहे ज्यादातर घर में ही रहता है और कुछ ना कुछ खाता रहता है, ये चॉकलेट खा रहा है, 6 साल के थे, बाप रे इतना सारा तला हुआ चीज लगा है, ऑयल वाला चीज मत खा, खुद खा के बोल रहा है, और तेल वाला चीज नहीं खाना चाहिए, क्या क्या तुम नहीं खाएगा, तुम फ्रूट खाएगा, फ्रूट मोगली को देखा है कितना ताकतवर है, मोगली को देखा है, वो तला हाँ, अरे वो चॉकलेट नहीं खाता है मोगली, वो खाता है क्या खाता है, देख रहा है सौरभ जोशी का वीडियो देखता है, बाबू बहुत बड़ा ब्लॉगर बनना चाहता है, बड़ा होकर सौरभ जोशी जैसा, तुम चटनी लिया इतना सारा, यहाँ पे रिमोट के लिए मारा मारी चल रहा है दो आदमी के बीच, कौन जीतेगा, ये गाना देखना चाहता है बाबू, बाबू ब्लॉग देखना चाहते है और ये इंटरेस्टेड यूट्यूब ब्लॉगर।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये संथाल के बहुत बड़े फैन है और रील भी बनाते हैं। क्या क्या नाम है आपका चैनल का? संथाल बुलेट ऑफिशियल। वाह, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इनका चैनल देखिए सबको, जो लोग संथाल के फैन है आप लोग इनका चैनल देख सकते हैं। क्योंकि वो उसमें संथाली गाना में रील बनाने वाले एक्सपर्ट है।